हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ यूपीएससी 2018 की अब तक की सबसे ऑथेंटिक आंसर की। मैंने अपने पिछले वीडियोस में 1 से 50 तक के क्वेश्चंस के आंसर्स बताए थे। अब हम शुरू करते हैं 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो संथाल अपराइजिंग के बारे में है और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी के बारे में है और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 52 का आंसर है ऑप्शन सी। 53 जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है और ये आर्टिकल 356 से रिलेटेड है और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी। द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर एक तरफ क्राफ्ट दिए हुए हैं और एक तरफ हेरिटेज दिए हुए हैं, तो पुथुकुली शॉल जो है वो तमिलनाडु से है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो है यहाँ पर दिया हुआ है महाराष्ट्र, तो ये गलत है, ये बिहार से है। और उपड़ा जामदनी साड़ीज जो हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं कर्नाटका से हैं, लेकिन ये है आंध्र प्रदेश से। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो जीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में है और इसमें तीनों दिए गए स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज कंट्रोल तो करता ही है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी मैनेज करता है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट हैं, इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी, 2 एंड 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 भी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 400 मिलियन ईयर्स अगो देयर वॉज 54% ऑक्सीजन ऑन अर्थ, लेकिन ऐसा नहीं है, 25 मिलियन ईयर्स अगो ही ऑक्सीजन जो है अर्थ पे ओरिजिनेट हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 जो है वन्ना क्राय पेटिया एंड एटर्नल ब्लू के बारे में है, तो ये फ्रेंड सर्व साइबर अटैक्स से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 59, तो इस 58 का आंसर जो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है ये है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 2, 4, 5 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन से रिलेटेड है और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 विथ रेफरेंस टू IRNSS या IRNSS के बारे में है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, मगर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो IRNSS है वो 15,000 किलोमीटर्स कवर करने के लिए बना हुआ है। और स्टेटमेंट 3 भी इसी स्टेटमेंट्स के कारण गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल कवरेज दिया हुआ है जबकि वो डिज़ाइन ही 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करने के लिए किया गया है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए, 1 इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिना, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 विथ रेफरेंस टू GM मस्टर्ड, ये GM मस्टर्ड के बारे में है, तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ है कि IRI और पंजाब यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप किया था, जबकि इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था GM मस्टर्ड। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। रिसेंटली इन न्यूज़ कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं जिनसे वो रिलेटेड हैं, तो Bell 2 जो एक्सपेरिमेंट था वो डाटा रिकॉर्डिंग से रिलेटेड था, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। सेकंड जो आंसर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन CRISPR-Cas9 जो है वो DNA से रिलेटेड था, पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड नहीं था, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, कार्बन फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, स्मार्टफोन से रिलेटेड है और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन, ये सोलर पावर प्रोडक्शन के बारे में है। तो इसमें दिया हुआ है पहले स्टेटमेंट कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर्स। तो फ्रेंड्स ये सिलिकॉन वेफर्स ये मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट मिला नहीं, और सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो गलत स्टेटमेंट है कि सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जबकि मैंने देखा है कि हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स जो हैं वो खुद टैरिफ डिफाइन करते हैं। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट टू आर द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल के बारे में है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी है, कॉटन सिल्क सॉल्ट पीटर एंड ओपियम जो है वो मिडिल सेंचुरी में पॉपुलर था। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह से है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 जो है वह हिंद मजदूर सभा से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि इसके फाउंडर्स कौन कौन थे। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, अशोक मेहता, टी एस रामानुजम एंड जीजी मेहता। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है स्थानकवासी किससे रिलेटेड है। तो ये फ्रेंड्स जैनिज्म से रिलेटेड है और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा जो कि लखनऊ में है वो लखौरी ब्रिक्स से बना हुआ है ना कि रेड सैंडस्टोन मार्बल से। तो फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए। देख लेते हैं 73 जो है फॉरेन ट्रेवलर से रिलेटेड है, जिसने कि डायमंड और डायमंड माइंस ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। क्वेश्चन नंबर 74 भी इंडियन हिस्ट्री से है। यहाँ पे फ्यूचर बुद्धा के बारे में बताया गया, तो इधर पे फ्यूचर बुद्धा होगा मैत्रेय। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 75 जो है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ऑप्शन सी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 75 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो इंग्लिश एजुकेशन इंडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिए गए तीनों स्टेटमेंट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक आपको बतानी थी। कोड़ाई कनल तमिलनाडु में है और ये आर्टिफिशियल लेक है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स इसमें सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, जो ये कहता है कि इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जबकि इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी, 2 and 3 आर द ऑनली करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। तो आपको बताना है कि स्वराज्य सभा किस जो है सोसाइटी या होम रूल, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज हो गया था 1920 में और उसे स्वराज सभा कहने लगे थे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। तो आपको बताना है सबसे पहले कौन सा इवेंट इनमें से हुआ था। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो दीन बंधु मित्र नील दर्पण जो उन्होंने लिखा था वो ये सबसे पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड। आपको बताना है कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं रिवर बेड माइनिंग के। तो फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी, 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इसमें डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन
द रिवर नहीं होती है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है एग्रीकल्चरल सॉइल के बारे में, और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है थर्ड स्टेटमेंट इज ऑनली करेक्ट स्टेटमेंट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो पेज से रिलेटेड है, एक यूएन मैकेनिज्म है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन बी, यानी कि 83 का ऑप्शन बी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड है। 3D प्रिंटिंग्स में ये सारे स्टेटमेंट सही हैं उनसे रिलेटेड, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो ये बैरन आइलैंड से रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि बैरन आइलैंड इज़ लोकेटेड 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, जबकि वो साउथ अंडमान आइलैंड होना चाहिए, और थर्ड स्टेटमेंट है लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो वाज इरप्टेड इन 1991, लेकिन ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, ये 1994 और फिर 2017 में भी ऐसी न्यूज़ आई थी द हिंदू में जिसमें ये कहा था कि बैरन आइलैंड्स जो है वो फिर से इरप्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स 85 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 जो है वो प्रोसोपिस जूली फोरा नाम के प्लांट से रिलेटेड है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो फ्रेंड्स इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तीन स्टेटमेंट्स, और तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 87 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, तो ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी, द UNFCCC सेक्रेटरिएट। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। इसमें एक तरफ कंसीडर द फॉलोइंग पेयर से रिलेटेड है, ये एक तरफ इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ फाउंडर्स दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो पेयर जो है वो गलत है, संस्कृत कॉलेज एट बनारस जो है वो जोनाथन डंकन ने पहली बार प्रपोज किया था। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, कलकत्ता मद्रास जो है वॉरेन हेस्टिंग उसके फाउंडर थे, और थर्ड जो है यहाँ पे UPSC ने बहुत बड़ी चीटिंग की है स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंड्स, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये आर्थर वेलेस्ले दिया हुआ है जबकि लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के एटलीस्ट ऐसे ऑप्शंस UPSC को शोभा नहीं देता है। तो फ्रेंड्स 89 का सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन टू बी, यानी कि सेकंड इज़ ओनली द करेक्ट पेयर। 90 भी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर के बारे में है, तो यहाँ पर रीजन्स दिए हुए हैं और फिर कंट्री दी हुई है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है 1 और 3 आर द करेक्ट आंसर स्टेट पेयर्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 90। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स के बारे में है, और इन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना था, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी, तो 91 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी। 92 राइट टू प्राइवेसी के बारे में है, और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 कंसीडर द फॉलोइंग है ये, और इसमें कुछ ग्राउंड नट्स फिंगर मिलेट्स ये सब दिए हुए हैं, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में है फ्रेंड्स ये, तो 2, 4, 5, 6 जो हैं उन सब को मिला है, 1 और 3 को छोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनमें मिला है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है आपको बताना है, तो पाखुई नामेरी दोन जो है वो सेंचुरी है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 इंडियन सैटेलाइट से रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 3 जो दिया हुआ है यहाँ पर 4 स्टेज लिखा हुआ है जबकि ये 3 स्टेज था फ्रेंड्स, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं।
ये बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंकिंग से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। तो फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है सी, 1, 2 एंड 4 आर ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। ये रिगार्डिंग जीएसटी से रिलेटेड था और यहाँ पे फिश प्रोसेस्ड और केन्ड में जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड नहीं है। जो केन्ड फिश होती हैं वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड नहीं है, इस पर जीएसटी लगता है। 98, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो 98 क्वेश्चन है इसके दो स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। 98 का आंसर है ऑप्शन ए। इसमें थर्ड स्टेटमेंट जो दिया था वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो डिसाइड करती है, इसमें लिखा था, लेकिन ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है ये डिसाइड करती है हैबिटेट राइट फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ये भी। तो इसमें है कि विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिसीज। तो फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव स्प्रेड्स प्लांट डिसीज, तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। 99 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 100 में ये गलत है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बजाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड बिल्कुल सही है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी, 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया होगा यूपीएससी का टफनेस लेवल। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस बार आपको क्या लगता है कि कट ऑफ यूपीएससी का कितना जा सकता है। मेरे हिसाब से 95 से 100 के बीच में इसका कट ऑफ होना चाहिए। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में ये एनालिसिस बताऊंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको यूपीएससी 2019 में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, फॉलो द पाथ टू सक्सेस।